हेलो फ्रेंड्स, माय स्मार्ट कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि टेल ईआरपी 9 में कंपनी का नाम कैसे चेंज करते हैं, यानी कि हमें अगर कंपनी का नाम चेंज करना है तो कौन से कहां पे जाना और कैसे हम चेंज कर दें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना, क्योंकि अकाउंटिंग रिलेटेड जो भी नई नोटिफिकेशन आएगी वो आप तक मिल पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आपको क्या करना है, गेटवे टैली पे आना है। गेटवे टैली पे आके यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन बता रहे हैं। यहाँ पे F3 यहाँ से भी आप कर सकते हो, अल्टर F3 जैसे ही करोगे यहाँ पे आपको फिफ्थ वाले ऑप्शन अल्टर में जाना है। जैसे ही अल्टर में आप एंटर करोगे, एंटर करना है यहाँ पे, और आपको यहाँ पे जो नेम लिखा है यहाँ पे हम लिख देते हैं कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर एजुकेशन, यहाँ पे मेलिंग नेम भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे पीरियड हम एज इट इज रखा है, अभी कुछ भी पीरियड नहीं दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे एंटर करके एक्सेप्ट यस करना है। ठीक है, चलिए अभी हमारा कंपनी का नाम चेंज हो चुका है। ठीक है, आपको अच्छी तरह से ख्याल आ गया रहेगा कि कंपनी का नाम कैसे चेंज करते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे आपको अल्टर F3 करना है, गेटवे टैली पे आके यहाँ पे अल्टर में जाना है, फिफ्थ वाले ऑप्शन में यहाँ पे कंप्यूटर एजुकेशन, ये हमारा नेम है। यहाँ पे जो भी हमारी कंपनी का नाम रखना है हमें, यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। तो आपको अच्छी तरह से ख्याल आ गया रहेगा कि कंपनी का नाम टेली ईआरपी 9 में कैसे चेंज करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और कमेंट करना ना भूलना।